हेलो एंड वेलकम, आज हम आपका प्यारा दोस्त और होस्ट सौरभ आपके प्यारे गेमिंग चैनल में, इसका नाम है गेमिंग थ्रियस और आज हम खेलने वाले हैं रियल क्रिकेट 24 मतलब RC24। और इस गेम को इससे पहले हम ज़्यादा खेले नहीं है, पर थोड़ी बहुत मैंने प्रैक्टिस की थी इस गेम की, तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छे से खेलना भी आने लगा है, मतलब मीडियम लेवल पे खेलता हूँ, एकदम प्रो नहीं बनाऊँ। तो पहले टीम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम रखेंगे भाई और T20 वाला जर्सी रखेंगे दोनों का, तो मज़ा आएगा। और 5 ओवर का ही मैच रखना है, फिर कुछ ज़्यादा बड़ा मैच नहीं रखना है, बिकॉज इस गेम के अंदर मैंने 5 ओवर का मैच खेला, 36 मिनट तक चला था गाइस, जिसको मैंने कट डाउन करते करते यहाँ पे लाया है। बट देखते हैं अभी क्या होता है। मीडियम डिफिकल्टी 5 ओवर, नाइट का माहौल रखेंगे और मुंबई का अपना ग्राउंड रखेंगे, वानखेड़े ग्राउंड। और अभी शॉर्ट असिस्ट ऑन नहीं करेंगे अपन, बिकॉज शॉर्ट असिस्ट ऑन करने के बाद ना थोड़ा और ईजी हो जाता है, बट भाई इजी एकदम हो जाएगा तो मज़ा भी नहीं आएगा। अभी फोकस करते हैं गेम के ऊपर। गेम के अंदर भाई जो मज़ा आने वाला है ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज इस गेम को मैंने बहुत प्रैक्टिस किया तब मैं अच्छे से खेल पा रहा हूँ। बट पहला गेम प्ले तो भाई थोड़ा सा कुछ खराब हो तो एडजस्ट कर लेना गाइस, मतलब देखो यहाँ पे व्यू देखो ग्राउंड का, और मतलब भाई ये जो स्टार्टिंग में एनिमेशन आते हैं ना भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आते हैं। देखो ग्राउंड का एनिमेशन है और इसमें पिच रिपोर्ट भी आता है, उसको मैंने कट डाउन कर दिया है, बिकॉज भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है वो, बिकॉज अगर इंट्रो में 4-5 मिनट चले जाएंगे तो भाई बाद में बाकी क्या बचेगा, गेम के लिए आप बोर हो जाओगे। तो हमने कम से कम एनिमेशन दिखाए, मतलब इससे ज़्यादा एनिमेशन इस गेम के अंदर है। टॉस टाइम यहाँ पे आता हुआ, और ये टॉस टाइम में क्या होता है, और टॉस हम हेड से सिलेक्ट करने वाले हैं, और हेड सिलेक्ट किया उसके बाद देखते भी क्या होता है। ये टॉस यार नहीं यार, ओपोनेंट टॉस जीता है, हमने को बॉलिंग दी है, तो टीम क्रिकेट 24 में बॉलिंग मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट इस गेम के अंदर पता नहीं क्या होगा, ओपनर्स हमने सिलेक्ट कर दिए, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, और न्यूजीलैंड की टीम बाहर आ चुकी है, अंपायर्स बाहर आ चुके हैं, और अपने ओपनर्स भाई कहाँ पे अपने ओपनर्स भाई आ चुके ओपनर्स। और जो गेम है ना इसके अंदर भाई सब कुछ एकदम डिटेल में दिया जाता है, स्टैट सब कुछ, ऐसा नहीं है कि DC जैसा नहीं है अपना, पर DC गेम मज़ा आता है खेलने के लिए, और ये भी मज़ा आएगा जैसे जैसे हम खेलेंगे, अच्छे से खेलना शुरू कर देंगे तो और मज़ा आने वाला है आपको देखने के लिए, मुझे खेलने के लिए और उसके ऊपर कमेंट्री देने के लिए। तो रोहित शर्मा अभी स्टांस लेते हुए, और देखते हैं अभी क्या होता है। पहली गेंद फेस करने वाले हम, इन स्विंगर है और बॉलर है माइल, और माइल ने पहली गेंद डाली और यहाँ पे थोड़ा गलत शॉट, ये शॉट नहीं खेलना था अपने को। अभी देखते हैं और इन स्विंगर आगे की तरफ, और इस गेंद के ऊपर शॉट खेला और शॉट सीधा डिपॉजिट कर दिया है, मतलब भाई इस तरह के शॉट हमें खेलने हैं तभी हम इस मैच को जीत पाएंगे। और एक गेंद उसके ऊपर और एक शॉट खेला है, बट शॉट चौके के लिए जाएगा नहीं यार, नहीं जाएगा, पर ठीक है 3 रन आसानी से आ सकते हैं, बिकॉज जब भी ऐसा बॉल जाता है ना तब 3 रन आसानी से आ जाते हैं इस गेम के अंदर। तो 3 रन हमने सिलेक्ट कर लिए, मतलब सिलेक्ट नहीं चुरा लिए है। और अभी देखो सामने के लिए शॉट, और क्या शॉट खेला हमने, जिस तरह दिशा से बॉल आया था ना उस दिशा के अंदर बॉल को डिपॉजिट किया हमने, मतलब भाई इस तरह के शॉट लगते रहेंगे तो अपने लिए बहुत आसान होने वाला है। बट यहाँ पे बाउंसर वाली गेंद को शॉट खेला है, थोड़ा पीछे खेलते ना चौका मिलता, बट थोड़ा सा हमने स्क्वायर खेल दिया, 2 रन यहाँ पे आसानी से मिल चुके अपने को। और आखिरी गेंद अभी देखते हैं क्या होता है, स्लोअर गेंद है और इसको हमने प्रहार किया और उसके साथ यहाँ पे चौके में डिपॉजिट किया, 4 रन अपने को मिलते हुए, और पहला ओवर यहाँ पे फिनिश होता हुआ। दूसरे ओवर में भी इसी तरह की धूम मचानी है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट हम बना पाएंगे और यहाँ पे अच्छे से सामने वाली टीम को हरा भी पाएंगे। और अभी नीसम है, नीसम ने इन स्विंगर डाली है, सेम लेवल ही इसको मार सकते, भाई क्यों नहीं मारा, एक बार फिर से करते हैं और से, अरे फक अजीब हो रहा है भाई, चीटिंग कर रहे हैं अभी। और देखते हैं अभी इन स्विंगर नहीं, आउट स्विंगर गेंद है और उसके ऊपर शॉट खेला है, बट शॉट परफेक्टली टाइम नहीं हुआ है गाइस, और उसके लिए विकेट जाएगा अपना, मतलब भाई विकेट नहीं जाना चाहिए था, ये जो विकेट जाते हैं ना भाई ये मुझे बहुत दिक्कत वाला सरदर्द देते हैं, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, सेलिब्रेशन चल रहा है इनका, बट ये विकेट ना इम्पोर्टेंट था, शुभमन गिल का विकेट था ये और वो आउट होते हुए। Meanwhile, तो कैसे यहाँ पे शुभमन गिल का तो विकेट गिर चुका है, बट विराट कोहली आ चुके हैं ऑन दी स्ट्राइक, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अभी विराट कोहली किस तरह खेलेंगे वो देखना रहेगा। बट अभी स्टांस ले रहे विराट कोहली, तो स्टांस लेने देते हैं, बट भाई अभी हमें पैनिक नहीं करना है। देखो यहाँ पे एक और गेंद, इस गेंद के ऊपर शॉट खेला और शॉट सीधा छक्के के लिए डिपॉजिट होगा, नहीं यार भाई क्या जबरदस्त फील्डिंग, मतलब इस तरह की फील्डिंग मैंने DC में नहीं देखी थी, बट इस गेम के अंदर है क्लासी फील्डिंग थी, बट पैनिक नहीं करना गाइस हमें, मैं कब से बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे यार क्या पागल है शॉट, एज लगी यार, पर सिंगल तो मिल गया, स्ट्रेट गेंद है बाउंसर वाली थोड़ी सी, और यहाँ पे छक्के में बॉल को डिपॉजिट, मैंने बोला भाई विराट कोहली है ना तब तक भाई डरने की कोई भी बात नहीं है, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली की जोड़ी क्लासी है। और टिकर अभी आ चुके भाई, टिकनर की हम टिकी किस तरह बनाते हैं वो देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। बट अभी सेम लेंथ वाली गेंद इसको मार सकते छक्के के लिए, और यहाँ पे शॉट खेला और शॉट छक्के के लिए नहीं बट चौके के लिए जरूर गया है, और अगर इस तरह से हम खेलते रहेंगे तो भाई जल्दी हम इस मैच के अंदर कब्जा कर लेंगे। और यहाँ पे शॉट खेला है बट शॉट टाइम नहीं हुआ,
भाई शॉर्ट टाइम में और शॉर्ट के साथ विकेट जाएगा, बट डरने की कोई बात नहीं बिकॉज विकेट जाते रहेंगे, बट विराट कोहली का विकेट जाता है डर तो लगता है, बट ठीक है भाई रोहित शर्मा भी स्ट्राइक के ऊपर है तो उसके ऊपर फोकस करेंगे अपन। और बहुत सेलिब्रेशन कर रहे हो गाइस, कम करो भाई, विराट कोहली के सामने सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। अब पंत को हमने स्ट्राइक के ऊपर लाया है ऋषभ दीप पंत, और देखते हैं अभी क्या करते हैं ऋषभ पंत। अच्छी गेंदबाजी नहीं सॉरी बल्लेबाजी करे ऐसी उम्मीद करूंगा बिकॉज इंजर होके आए हैं ना गाइस। तो अभी यहाँ पे पहली गेंद रिलीज कर दी यार, अर्ली खेल दिया हमने, बहुत ज्यादा जल्दी अर्ली खेल रहे। अभी देखते हैं यहाँ पे सेम लेंथ वाली गेंद इसके ऊपर, भाई यार नहीं विकेट नहीं जाना चाहिए था, क्या ही बोलूँ यार इसको मैं, हट पागल ढंग से खेल लेता भाई। रिप्ले देखो विकेट का, ऋषभ पंत जैसे आउट हुआ भाई, किस तरह से आउट हुआ भाई, शॉट लगने वाला था भाई ये, बट अच्छे से खेला नहीं, थोड़ा सा स्क्वायर का हमने खेलना था, मतलब मैंने अच्छे से नहीं खेला उसकी क्या बेचारी की गलती, पर लोकेश राहुल अभी आ चुके हैं, अभी देखते क्या होता है। आउटसोर्स वाली गेंद, आउटसोर्स की गेंद वाले को भाई मार सकते थे यार इसको, सीधा हार्ड डिपॉजिट कर सकते थे बट फिर नहीं, आउट स्विंगर गेंद और इसके ऊपर क्या शॉट खेला है, शॉट के साथ यहाँ पे छक्का नहीं चौका मिलेगा भाई, थोड़ी के लिए रह गया छक्के से बॉल, बट ठीक है भाई रन तो आ रहे हैं ना, आने चाहिए। अभी थोड़ा सा ब्रेक आ चुका है तो ब्रेक के लिए थोड़ा वेट करते हैं, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से फोकस जमाते हैं गाइस। और रोहित शर्मा नहीं, रोहित शर्मा स्टाइल मार रहे गाइस, इसे सर के ऊपर कुछ कर रहे हैं, पर ठीक है अपने को क्या करना है। अभी सोदी आ चुका है गाइस, स्पिनर को किस तरह से खेलना है ना मुझे अभी तक नहीं पता चला है, कोई बता सकता है तो कमेंट्स में बता दो गाइस, बट देखते अभी अच्छे से खेलने की कोशिश जरूर करेंगे। लेग साइड वाली गेंद है और इसको मारेंगे सामने की तरफ, नहीं यार अपील है बट कुछ अपील का मतलब नहीं है, लेग साइड के बाहर पीछ हुई गुगली गेंद, अभी देखते हैं, और गुगली गेंद को भाई सीधा मारा है, और सीधा मारने के साथ बड़े गैप के अंदर डिपॉजिट किया है 4 रन के लिए। इस तरह से खेलना है स्पिनर को, बट देखते हैं पूरा ओवर खेलते पहले, लेग स्पिन वाली गेंद और सेम लेंथ वाली गेंद इसको मारा है सामने की तरफ, बट सामने अभी ना फील्डर खींच लिया है पीछे की तरफ, उसको वैसे सिंगल ही मिलेगा ड्रिफ्टर, और यहाँ पे देखते क्या होगा, एक और शॉट, बट शॉट सिंगल के लिए जाएगा, और सिंगल के लिए जब भी शॉट जाता है तो भाई दर्द होता है मेरे दिल के अंदर, बड़े शॉट लगने चाहिए गाइस, बड़े शॉट नहीं लग रहे, और यहाँ पे शॉट लगा बट यहाँ पे विकेट गया भाई, क्या कैच पकड़ा इसने, क्लासी कैच, और रोहित शर्मा का यहाँ पे जा चुका है मेरे हिसाब से विकेट, और देखो 22 रन बना के गई यार, अपना इनफॉर्म बैट्समैन जा चुका है, बट ठीक है फिर भी टेंशन नहीं लेना है, हार्दिक पांड्या आएगा अभी, हार्दिक पांड्या आने के बाद कोई गलत कमेंट मत कर देना भाई, बिकॉज मैं हार्दिक का सपोर्टर नहीं हूँ, बट अपने गेम के अंदर अपने को हर प्लेयर एक जैसा ही है, तो सिपली के सामने हार्दिक पांड्या, और ऑफ कटर एक गेंद इसके ऊपर, पहली गेंद के ऊपर लोकेश राहुल ने चौका मारा है, सॉरी हार्दिक पांड्या नहीं, मतलब मुझे लगा ओवर खत्म हो गया था तो क्रीज चेंज हो गया, बट यहाँ पे शॉट जरूर खेला, शॉट में सिंगल आएगा, 4 विकेट जा चुके, और यहाँ पे एक और शॉट है, शॉट भाई क्या क्लासिक खेला है, और चौके के लिए बॉल को डिपॉजिट कर दिया है, मार्क माय वर्ड्स डिपॉजिट। और अभी देखते हैं आखिर के 2 गेंद 3 गेंद बचे, बट यहाँ पे एज लग चुकी है सुपर गेंद के ऊपर, बट अभी भी 48 रन बन चुके हैं 4 विकेट नुकसान के ऊपर, एक छक्का लग जाए बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, आउट से बोले लिखे यहाँ पे खेला ही नहीं, इसकी वजह से अपने बहुत सारे बॉल डॉट हो चुके हैं, बट ठीक है अभी अपने फर्स्ट इनिंग खत्म कर दी है। तो वैसे यहाँ पे न्यूजीलैंड को बनाना है 49 रन इस मैच को जीतने के लिए, जसप्रीत बुमराह के हाथ में हमने गेंद दे दी है, अपनी टीम आ चुकी है, न्यूजीलैंड के बैट्समैन आना बाकी है, देखो यहाँ पे वो भी आ चुके हैं, और अभी होने वाला है फुल पैक एक्शन धमाका, जस्सी के हाथ में गेंद, तो भाई दंडिया गिल्लिया किल्लिया सब बाहर उड़नी चाहिए, और अपने को विकेट मिलना चाहिए पहली ओवर के अंदर, तो रिवर्स स्विंग हम करने वाले हैं, बाहर की तरफ गेंद रखेंगे रिवर्स होती हुई, और थोड़ा गैप वहाँ पे, बट यहाँ पे स्लिप भी रखी है, स्लिप नहीं रखी हमने यार, फक स्लिप रखनी चाहिए थी, बट ठीक है जाने दो स्लिप रखनी चाहिए थी, बट अभी भी हमने उस स्लिप को नहीं रखा, और सामने की तरफ कूदे और सीधा बॉल को छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया, क्या क्लासिक शॉट था ये, सामने कूदे और मारा है, बट अभी इस तरह की गेंदबाजी नहीं चलेगी, बट क्या शॉट में विकेट मिल जाएगा, विकेट मिल जाएगा नहीं यार, बास्टर्ड विकेट मिल सकता था गाइस, बट क्या ही बोलूँ इसके ऊपर मैं, और ये अभी ये फील्डिंग ना मुझे मैन्युअली करनी नहीं चाहिए थी गाइस, फील्डिंग मैन्युअली कर रहा हूँ ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बट यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, 4 बॉल 5 बॉल हो चुके हैं, और यहाँ पे 8 ही रन जा चुके हैं, मतलब ज्यादा जा चुके हैं, बट ठीक है गाइस अभी क्या ही बोल सकते हैं, अब नया नया इस गेम को खेल रहे हैं ना, इसलिए पता नहीं चल रहा, ट्रिक नहीं पता अपने को किस तरह विकेट लेना है, किस तरह रन को रोकना है। मोहम्मद शमी के हाथ में गेंद है, और शमी जी भाई स्विंग करे इसे, इन स्विंग आउट स्विंग रिवर्स स्विंग बहुत कुछ करे, मजा आ जाएगा, स्लोअर गेंद पहली हम करने वाले, और देखते भी क्या होता है, और यहाँ पे पहली गेंद के ऊपर ही डॉट डॉट वाली गेंद गाइस, डॉट वाली गेंद, 9 रन अभी तक, और अभी इस गेंद के ऊपर कितना मिलेगा, इस गेंद के ऊपर सिंगल मिलेगा, सिंगल सिंगल जाते रहे हमेशा मैं बोलता हूँ भाई, सिंगल जाते रहे अपने लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अपने लिए तभी बड़ी प्रॉब्लम है जब बड़े शॉट लगेंगे, और यहाँ पे एक और सिंगल जाएगा, डोंट वरी गाइस सिंगल जाते रहने दे,
इस मैच को हम जीतने वाले हैं गाइस, इस मैच को जीतने वाले। और जैसे मैंने बोला, मेरी काली जबान गाइस चौके में तब्दील हो जाती है, मतलब भाई चौका लग चुका है यहाँ पे। बट फिर भी रिवर्स स्विंग इन स्विंग करेंगे और यहाँ पे शॉट खेला, और शॉट के साथ दूसरे ओवर का भी अंत यहाँ पे हो चुका है। मोहम्मद सिराज के हाथ में हमने गेंद दी है, किसके? मोहम्मद सिराज के, और भाई वर्ल्ड कप के अपने स्टार, उनके हाथ में हमने गेंद दी है, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। इन दोनों के हाथ में अगर गेंद होगी तो विकेट मिलना लाजमी होता है, बट अभी तक कोई विकेट हमें मिला नहीं है। विकेट हमको कौन ला के देगा पता नहीं मुझे, बट यहाँ पे दो दो रन जा रहे हैं ना, वो मुझे थोड़ा दिक्कत वाला सबब लग रहा है, बिकॉज 19 रन बन चुके हैं और अगर इन्होंने अटैक कर दिया ना तो अपने लिए बहुत खराब बनने वाला सिचुएशन। बट अभी रिवर्स स्विंग है और इस गेंद के ऊपर भाई वाइड गेंद हो चुकी है, वाइड गेंद नहीं होनी चाहिए इतनी गाइस यार, वाइड में डालो, सामने डालो, स्टंप के अंदर भाई विकेट बढ़ना चाहिए। अरे नहीं, पर ठीक है भाई, सिंगल सिंगल जा रहे हैं, डोंट वरी, डोंट वरी गाइस। और यहाँ पे एक और शॉट, बट ये शॉट सीधा फील्डर के हाथ में, और रिवर्स स्विंग वाली ये गेंद और इसके ऊपर कोई शॉट नहीं, अच्छा सिंगल मिलेगा सिर्फ। और यूजी चल के हाथ में अभी गेंद देंगे बिकॉज़ स्पिनर के साथ जाके देखते हैं, विकेट फास्टर से तो मिले नहीं है, स्पिनर से मिल जाए क्या पता, नसीब अपना स्पिनर के साथ हो आज। यूजीच की पहली गेंद ड्रिफ्टर वाली गेंद, और इस गेंद के ऊपर शॉट खेला, और शॉट खेलने के साथ विकेट का मौका बना है, और यहाँ पे कैच भी पकड़ा जा चुका है, हमें मिल चुका है विकेट। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये भाई चीज है, विकेट पहली स्पिनर की गेंद के ऊपर मिला है। ओह माय गॉड, वाओ, तो गाइस यहाँ पे विकेट गिर चुका है सी बोस का, और अपने लिए भाई यहाँ पे ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अभी हम इस मैच के ऊपर पकड़ बना सकते हैं, अच्छी पकड़ बना सकते हैं, बिकॉज विकेट गिरने के बाद रन रेट थोड़ा स्लो हो सकता है, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। और बी योंग यहाँ पे आ चुके हैं फ्लिपर वाली गेंद, और इस गेंद के ऊपर भाई क्या ही शॉट खेल दिया, चौकी के लिए बहुत डिपॉजिट भी कर दिया, मतलब ये नहीं होना चाहिए था अपने लिए, अगर इस तरह की चीजें होंगी ना तो भाई बहुत खतरनाक फंस जाएंगे। पुनर यहाँ पे शॉट खेला है, बट शॉट सीधा फील्डर के हाथ में गया है, एक अच्छा शॉट लग जाता है गाइस, डरने की बात नहीं है, अभी हम अच्छे से गेंदबाजी करेंगे, बट ये नहीं नहीं यार, ये शॉट छक्के पे डिपॉजिट हो गया, मतलब मैं जैसे भी बोलता हूँ ना अच्छा बुरा ही हो जा रहा है, बट पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बट ड्रिफ्टर वाली गेंद सेम लेंथ पे रखेंगे जो आउट विकेट हमने लिया था, बट भाई विकेट उस पे लिया था जिसके ऊपर चौका लिया गया, मतलब क्या ही, मतलब एंड में ना बैट का मुंह खोल दिया। और अभी टॉप स्पिन डाल के देखते हैं, और यहाँ पे टॉप स्पिन डालने के बाद कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे आसानी से गाइस, दो मिलेंगे। और भाई ये जो मैच अपने हाथ में था ना वो फिसल चुका है, मतलब अभी अपने को हार्दिक पांड्या के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज अपने को फास्टर से ही अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, स्पिनर से विकेट जरूर मिला है बट रन भी गए हैं, और अभी अपने को प्रोटेक्ट करना है 9 रन, और देखते किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे। पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर गैप के अंदर बॉल है, और दो यहाँ पे आसानी से उनको मिल जाएंगे यार, दो नहीं अब विकेट जाए नहीं, और देखते अभी इन स्विंगर गेंद सेम भाई वो गैप के अंदर मार रहे कंटिन्यूसली, उस फील्डर को ना थोड़ा अंदर ले लेते, दो दो रन नहीं जाने चाहिए, अंदर ले लिया फील्डर को हमने, और देखो यहाँ पे एक सिंगल जाएगा, सिंगल जाएगा, तो इस तरह से पहले लेते तो भाई 2 रन बच जाते, पर ठीक है फिर भी अभी हम इस मैच को जीत सकते हैं। बट नहीं यार, जैसे मैंने बोला मैच को जीत सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे चौका लगा और मैच अपन हार चुके। यहाँ पे मैच तो हार चुके हैं, बट भाई नया नया गेम है तो मैच जीतना थोड़ा मुश्किल होने वाला है स्टार्टिंग में, बट बाद में ना जब इसको हम अच्छे से खेलना सीख जाएंगे ना तो भाई बाप का भाई का हर का बदला लेगा तेरा सौरभ। और देखो यहाँ पे कुछ बातें चल रही है, बात करके कुछ फायदा नहीं है, मैं अच्छा खेलूंगा तो आप अच्छे खेलोगे, तो बात करना बंद करो और फोकस करते हैं अभी अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसी तरह के बेहतरीन गेम प्लेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। धन्यवाद।